जैसा कि इससे पहले हमने आईपीसी के सेक्शन 471 ऑफ आईपीसी का समझ लिया, मतलब सेक्शन 471 तक हमने सेक्शंस कवर कर लिए। अब हम आगे के सेक्शन सेक्शन 472 से लेकर सेक्शन 477 ए तक कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ख़त्म हो जाए, और इस चैप्टर के हम इतने ही सेक्शंस करेंगे कि आगे के सेक्शंस नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम इससे आगे के जो सेक्शंस हैं जो कि 420 या 421 या इस अराउंड के जो सेक्शंस हैं जहाँ से ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो वाले सेक्शंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 472। सेक्शन 472 के अंदर हमें क्या दिया गया। सेक्शन 472 जो है वो हमें बोलता है, जब हमने सेक्शन 467 पढ़ा था जहाँ पे किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या जैसे विल हो गई या एडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया इस तरीके का, उसके अंदर जब हम फॉर्जरी करते हैं उस चीज़ के लिए तो उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन 467 से रिलेटेड है सेक्शन 472। सेक्शन 472 क्या बोलता है, मतलब आपको सेक्शन 467 यहाँ पे पता होना चाहिए, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 472 क्या बोलता है, मेकिंग और पजेसिंग काउंटरफिट सील, कि आप क्या कर रहे हो, मेक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पजेस कर रहे हो, आपने बनाया नहीं लेकिन आपकी पजेशन के अंदर है। क्या चीज़ आपकी पजेशन के अंदर है, काउंटरफिट सील एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ें जो काउंटरफिट होती है। काउंटरफिट की डेफिनेशन जो है आगे वाले सेक्शंस के अंदर दी गई है, मैंने बताया भी है काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो काउंटरफिट सील वगैरह आपके पास है, पजेशन में है या आप उसको बना रहे हो, विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467, कि आप किस इंटेंशन से उसको बना रहे हो कि आप फॉर्जरी करोगे सेक्शन 467 वाली। तो यहाँ पे अभी आपके पास क्या है, सिर्फ पजेशन है उसका या आपने उसको बनाया, आपने उसको यूज़ नहीं किया उस पर्पज़ के लिए, यूज़ करते तो आपको इसी सेक्शन में सज़ा मिल जाती, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ उसका पजेशन है, तो इसलिए सज़ा कौन से सेक्शन में मिल रही है, सेक्शन 472 के अंदर। अब हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, देखिए सेक्शन क्या बोलता है। ये सेक्शन बोलता है मेकिंग और पजेसिंग, कि हमारे पास दो चीज़ें, या तो हम बना रहे हैं या अपने पास पजेस कर रहे हैं, किस चीज़ को, काउंटरफिट सील एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ों को जो काउंटरफिट होती है, विद इंटेंट, हमारी इंटेंशन क्या है यहाँ पे, हमारी जो नीयत है वो क्या है, टू कमिट फॉर्जरी, कि हम फॉर्जरी कमिट करेंगे, कौन सी फॉर्जरी कमिट करेंगे, पनिशेबल अंडर सेक्शन 467 के अंदर जो पनिशेबल है वॉली फॉर्जरी हम करेंगे, ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल या एडॉप्शन डॉक्यूमेंट या इस तरीके की कोई भी चीज़ जो थी वो सारी आ जाती थी, तो उस वाला क्राइम हम यहाँ पे कमिट करने की इंटेंशन रखते हैं। अब क्या बोलते हैं इस सेक्शन के अंदर, ये बोलता है, मतलब मान लीजिए सेक्शन 467 के अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वो 473 में चली जाएगी, बाकी इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या बोलता है कि हु एवर मेक्स और काउंटरफिट्स एनी सील, कि कोई भी व्यक्ति जो बनाता है या काउंटरफिट करता है किसी सील को, प्लेट को, मतलब जिसे होते हैं ना कोई प्लेट जिसके ऊपर ऐसे ऐसे लिखा होता है उससे आप स्टैंप वगैरह लगा लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ को या किसी और इंस्ट्रूमेंट को, फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन, कि उससे आप क्या करोगे, इम्प्रेशन बनाओगे, इंटेंडिंग दैट द सेम शैल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या होगी कि ये जो आप बना रहे हो ये सेम शैल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ, कि ये किस चीज़ के लिए यूज होगी, ऑफ कमिटिंग एनी फॉर्जरी, फॉर्जरी कमिट करने के लिए होगी, ठीक है। आप फॉर्जरी क्या होती है, सेक्शन 463 में भी हमने समझा था, ठीक है, तो फॉर्जरी वही है, विच वुड बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467। तो कौन सी फॉर्जरी करोगे जो कि सेक्शन 467 के अंदर पनिशेबल है इस कोड के, और विद सच इंटेंट हैज इन पोजेशन एनी सच सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट, नोइंग द सेम बी काउंटरफिट शैल बी पनिश्ड। तो इस तरीके की अगर किसी के पास चीज़ होती है तो यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसको जीवन भर की सजा हो सकती है, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल रिग्रेस, दोनों में से कोई भी हो सकती है, 7 साल तक के लिए, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे एंड शैल लिखा हुआ है तो मतलब उसके ऊपर फाइन तो पक्का लगेगा ही लगेगा। अब सजा कितनी होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, 7 साल तक की या लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा उसको दी जा सकती है। तो सेक्शन 472 में हमें इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेक्शन 235 पढ़ोगे, ठीक है, सेक्शन 255 पढ़ोगे, सेक्शन 256 पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये जो है उसके इसी तरीके के सेक्शंस हैं, जहाँ पे कॉइन को हो गया या गवर्नमेंट स्टैम्प को कॉपी करने की बात होगी, तो ये इन सेक्शंस में भी ये बात बोली गई है, ठीक है, ये इसके। उसके अलावा अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, तो इस सेक्शन में हमें इतना जानना ज़रूरी है, इतना काफ़ी है, ठीक है, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लेकिन आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको ये सेक्शंस पता होने चाहिए,
उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 473 के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है कुशांक एम के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, गाली देने का मन हो तो यहाँ आके आप दे सकते हो। उसके अलावा ये भी अपना ही पेज है, मतलब दोस्त का, लेकिन अपना ही है, लॉ मीमर्स के नाम से है। इसके ऊपर ये मीम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं लॉ मीमर्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 473 को। सेक्शन 473 के अंदर किस बारे में बात करता है, अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा सेक्शन 472, उसके अलावा अगर आप किसी पर्पज़ के लिए काउंटर फिट सील करते हो, अपने पास पजेस करते हो या बनाते हो, तो आपको इस सेक्शन के अंदर सजा हो जाएगी, विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कि 467 की छोड़ के अगर कोई और है तो यहाँ पे 473 में आ जाएगी वो, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सा ही सेक्शन है। Whoever makes counterfeit any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery, which would be punishable under any section of this chapter other than section 467. तो इसके अलावा कोई भी होगा तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। और with such intention has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा और साथ में फाइन लग जाएगा। तो बस ये इतनी सी है, इसमें इतनी ही बात जाननी जरूरी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस सेक्शन में, ठीक है। 467 के अगर आप 467 के अलावा अगर आप किसी चीज़ के लिए पजेस कर रहे हो, मेक कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर ये वाला सेक्शन लग जाएगा, खत्म बात। फिर आते हैं हम सेक्शन 474 के ऊपर। जब हम सेक्शन 474 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो ये सेक्शन है ना 474, अभी जब हम इसको पढ़ेंगे, ये सेक्शन 242, सेक्शन 243, सेक्शन 259, इनसे एकदम मिलते जुलते सेक्शन है। मतलब इनको भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भी इसी तरीके का क्राइम जो है बता रखा है, ऑफेंस जो है बता रखा है, ठीक है। अब देखिए इस सेक्शन में क्या बोलता है, हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इन सेक्शन 466 और 467। अब ये दोनों सेक्शन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने ये दोनों सेक्शन अच्छे से समझाए हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर, कोर्ट के अंदर, रजिस्टर के अंदर, इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे तो अभी हमने समझाई कि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई, कोई विल हो गई, इस तरीके अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट हो गए, वो सारे आ गए। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या है कि हैविंग पोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि कौन से डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 466 या 467 के अंदर दिए गए हैं, नोइंग इट टू बी फोर्ज एंड इंटेंडिंग टू यूज इट जेन्युइन, कि आपको पता है कि वो फोर्ज है और उसको आपकी इंटेंशन है कि आप उसको जेन्युइन तौर पर यूज करोगे, मतलब असली दिखा के यूज करोगे। तो whoever in his possession any document, तो पिछले सेक्शन में क्या था, आपके पास कोई सील थी, स्टैम्प थी, इस तरीके की चीज थी, ठीक है, प्लेट थी या अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पे आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके पास इस तरीके का कोई। नोइंग द सेम टू बी फोर्ज एंड इंटेंडिंग दैट द सेम शैल बी फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली बी यूज्ड एज जेन्युइन, कि आपको नॉलेज है इस बात की और वहां पे आपकी इंटेंशन है कि ये जेन्युइन के तौर पर यूज होगा, ठीक है। बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years and also shall be liable to fine, and if the document is one with description mentioned in section 467 shall be punished with imprisonment for life. अच्छा, अगर आपके पास वाले डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको 7 साल तक की सजा होगी, और अगर 467 वाले हैं तो आपको लाइफ टाइम की इंप्रिजमेंट हो सकती है या फिर सजा हो सकती है 7 साल तक की, और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 474 के अंदर। अब जो ये सेक्शन 474 का ऑफेंस है, यहाँ पे सिर्फ इस फैक्ट से कि आपके पास, सिर्फ इस फैक्ट से कि आपके पास उनका पोजीशन है, आपका ऑफेंस कमिट हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको ये बात पता है कि ये जो इंटेंशन है फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली यूज होगा, तो यहाँ पे आपके ऊपर ये वाला सेक्शन जो है लग जाएगा, ठीक है, सेक्शन 474 है। अब जैसे यहाँ पे केस था, यहाँ पे क्या था कि जो एक्यूज था उसके पास ना आईएएस ऑफिसर, मतलब एज अपने आप को फॉल्सली आईएएस ऑफिसर पोस्ट किया था, या फिर जॉइंट डायरेक्टर जो है विजिलेंस का वो शो किया था जो सीबीआई का होता है, और उसके पास कुछ पोजीशन में मिले थे फिक्शियस डॉक्यूमेंट्स जो कि सपोर्ट कर रहे थे इस क्लेम को कि भाई उसके पास जो है टाइम टू टाइम वो पीपल को बोगस केसेस के अंदर, नकली केसेस के अंदर फंसा रहा है अपनी इस पोस्ट को दिखा के। तो यहाँ पे जो एक्यूज था उसने फेक डॉक्यूमेंट जो बनाए, जो फेक डॉक्यूमेंट उसके पास थे जो इस पर्पस के लिए, तो उसको इसलिए यहाँ पे उस सेक्शन की सजा मिल गई, सेक्शन 474 की। ये जो फैक्ट्स थे कौन से केस के फैक्ट्स थे, इस केस का नाम था धर्मपाल 1985 का, ठीक है जी,
बस इतनी बात हमें इस सेक्शन में पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर आते हैं हम सेक्शन 475 के ऊपर। सेक्शन 475 जो है ना, वो एक तरीके से देखा जाए तो सप्लीमेंट है कौन से सेक्शन का, 472 का। 472 में क्या था, 467 वाली कोई चीज़ पोजीशन थी आपके पास, काउंटरफीट सील ये सब चीज़ें, ठीक है भैया बना रहे थे। अब यहाँ सेक्शन 474 में क्या कर, 475 में क्या कर रहे हो, 475 में क्या कर रहे हो, काउंटरफीटिंग डिवाइस और मार्क यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिवाइस या मार्क को आप काउंटरफीट कर रहे हो। वही चीज़ होगी ना, आपके पास कोई मार्क है या कोई डिवाइस है जिसको आप काउंटरफीट कर रहे हो। फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इन सेक्शन 467 और पजेसिंग काउंटरफिट मार्क्ड मटेरियल, की भाई जो सेक्शन 467 के अंदर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कोई डिवाइस या मार्क जो है काउंटरफिट कर रहे हो, या फिर आपके पजेशन में है इस तरीके का कोई मटेरियल जो है, ठीक है। तो हूएवर काउंटरफिट्स अपॉन इन एनी सब्सटेंस ऑफ एनी मटेरियल एनी डिवाइस मार्क यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इन सेक्शन 467 ऑफ द कोड इंटेंडिंग दैट सच डिवाइस और मार्क शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी टू एनी डॉक्यूमेंट, की भाई हम इससे दिखाएंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक है, इसके ऊपर ऐसे सील वगैरह लगा देंगे गवर्नमेंट की या इस तरीके की कोई भी चीज करेंगे तो उससे लगेगा कि ये ऑथेंटिक है, एकदम जेन्युइन चीज है, तो उस तरीके की चीज आ जाएगी यहाँ पे। देन फोर्ज और देयर आफ्टर टू बी फोर्ज सच मटेरियल और हु इन सच इंटेंट हैज बीन पोजेशन एनी मटेरियल अपॉन और इन द सब्सटेंस ऑफ व्हिच एनी सच डिवाइस और मार्क हैज बीन काउंट, भाई जिसके पोजेशन मिल रहा है या कोई ऐसी चीज कर रहा है तो उसको कितनी सजा होगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी या फिर उसको इंप्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, सिंपल या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी 7 साल तक की और साथ में फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। तो सेक्शन 475 में ये बात बताई गई। अब जैसे बैंक नोट्स वगैरह होते हैं या फिर इस तरीके की कोई सिक्योरिटीज जो होती हैं वो भी जो है इसी के अंदर आ जाती हैं, इस सेक्शन में इतनी बात बोली गई है। फिर आते हैं हम सेक्शन 476 के ऊपर, काउंटरफीटिंग डिवाइस और मार्क यूज फॉर, मतलब ये सेम ही है जैसे हमने 474 में पढ़ा था ना कि भाई अदर देन सेक्शन 467 के लिए, तो यहाँ पे भी अदर देन सेक्शन 467 के लिए आ जाएगा, मतलब जो बस 475 में बोली है वही 476 में बोली है, लेकिन बस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 467 के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाएंगे और यहाँ पे सजा जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि लेस सीवियर ऑफेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 साल तक की और साथ में फाइन लग जाएगा, वहाँ पे तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। 467 में इतना ही है, 477 में, 476 में। फिर आते हैं 477 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 477 के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई जो डॉक्यूमेंट, जैसे कौन से डॉक्यूमेंट, अब पढ़ते हैं पहले इसको हम, फ्रॉडलेंट कैंसिलेशन डिस्ट्रक्शन, अब किस चीज़ की फ्रॉडलेंट कैंसिलेशन या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम फ्रॉडलेंट कैंसिलेशन या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, किसका फॉल्सली कैंसिलेशन या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब जैसे डिस्ट्रक्शन मतलब जला वगैरह दिया उस डॉक्यूमेंट को या खुद ही अल्टर करके उसको कैंसिल कर दिया, किसी विल को, अथॉरिटी टू अडॉप्ट को या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, वही डॉक्यूमेंट्स आ गए जो सेक्शन 467 के अंदर दे रखे, तो उसको अगर आप कैंसिल करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो फ्रॉडलेंट तरीके से, तो यहाँ पे 477 का ऑफेंस कमिट हो जाएगा, मतलब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ ही है यहाँ पे, हमारे पास नकली चीज़ नहीं है, यहाँ पे हम उसके अंदर टेम्परिंग कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कोई विल हो गई है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट हो गई है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई है, तो यहाँ पे इसलिए इसको, यहाँ पे अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीवियर पनिशमेंट है इसी कारण से, क्योंकि इतने इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इसके अंदर आप कैंसिलेशन कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो इसलिए। अब देखते हैं क्या बोलता है, हूएवर फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली, किस तरीके से फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली विद इंटेंट टू, आपकी इंटेंशन कैसी है यहाँ पे, विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, क्या कर रहे हो, डैमेज दे रहे हो या इंजरी दे रहे हो टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, की पब्लिक को दे रहे हो, किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, किस तरीके से कैंसल्स डिस्ट्रॉयज डिफेसेस और अटेम्प्ट टू कैंसल डिस्ट्रॉयज और डिफेसेस और सीक्रेट्स और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और कमिट मिसचीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, या इसके रिस्पेक्ट में आप मिसचीव करते हो, ठीक है, या तो ये चीजें कर रहे हो, डिफेसिस कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऐसा करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आप मिसचीव कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो यहाँ पे लाइफ टाइम की सजा हो सकती है और विद इंप्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड ऑल्सो शैल लायबल टू फाइन, साथ साथ फाइन भी लगेगा। तो सेक्शन 477 में इतनी बात बोली गई बस। फिर हम आते हैं सेक्शन 477A के ऊपर, इस वीडियो का ये आखिरी सेक्शन है, इसके बाद फिर हम इससे जो पीछे के सेक्शन है उनको स्टार्ट करेंगे। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या होता है,
जैसे बुक कीपिंग का या रिटर्न अकाउंट्स होते हैं कोई, तो उससे रिलेटेड जो है ये ऑफेंस दे रखा है कि आप अकाउंट्स के अंदर कोई फॉल्सिफिकेशन करते हो। जैसे कोई, जैसे अकाउंटेंट होता है बुक्स वगैरह के अंदर कोई वो कर देता है, गलत एंट्री वगैरह कर देता है, फॉल्सिफिकेशन कर देता है, तो यहाँ पे उसको सजा मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है। हु एवर बींग, अब देखिए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, वो ये स्पेसिफिक व्यक्ति को ये सजा होगी। हु एवर बींग अ क्लर्क, ऑफिसर, सर्वेंट, एम्प्लॉयड और एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क, जो एज ए क्लर्क काम कर रहा है ऑफिसर के तौर पर, सर्वेंट के तौर पर, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, विलफुली एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, विलफुली कर रहे हैं और विद इंटेंट टू डिफ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड करने की। अब देखिए जब जब भी ये वर्ड डिफ्रॉड आया है, यहाँ साथ में हमें ये चीज साथ में हमेशा समझ आई है कि वहां पे आपकी इंटेंट होनी चाहिए प्लस उस व्यक्ति को इंजरी होनी चाहिए, तभी वो डिफ्रॉड कहलाता है। मतलब इंटेंट मतलब डिसीट होना चाहिए, डिसीट होना चाहिए प्लस इंजरी होनी चाहिए, तभी वो डिफ्रॉड कहलाता है। ठीक है जी, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉय करता है उसको, अल्टर करता है उसको, बिलोंग्स टू और इज इन पोजेशन, नहीं, म्यूटिलेट्स और फॉल्सिफाई एनी बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग। किस चीज को खराब कर रहा है, म्यूटिलेट कर रहा है या गलत चीज लिख रहा है, अल्टर कर रहा है कोई बुक्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, किसी पेपर को या राइटिंग को। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अकाउंट विच बिलोंग्स टू और इन पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, जो किससे बिलोंग कर रही है, किसके पोजिशन में है, एम्प्लॉयर के पोजिशन के अंदर है, जिसने उसको जॉब पे रखा हुआ है, और हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, या फिर उसके पास अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो है, और विलफुली एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। यहाँ पे विलफुली साथ ही साथ किस इंटेंशन से, डिफ्रॉड करने की, या फिर मेक्स और अबेट्स द मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री, करता है या फिर इस चीज को करने के लिए उकसाता है कोई फॉल्स एंट्री करने के लिए, इन और ओमिट्स, या तो छोड़ देता है करने के लिए, या अल्टर कर देता है, या अबेट करता है इस ओमिशन को, मतलब छोड़ दे इसके अंदर वो एंट्री ना करे, या अल्टरेशन करने के लिए अबेट करता है, उकसाता है, ऑफ एनी मटीरियल पर्टिकुलर। अब यहाँ पे मटीरियल पर्टिकुलर मतलब कि वो एंट्री जो है, जो अमाउंट है वो मटीरियल होनी चाहिए। अब किसी से एक दो रुपये की गलती हो गई, गलती क्या मतलब, उसने एक दो रुपये का कोई ऐसी चीज़ कर भी दी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मटेरियल पर्टिकुलर होना चाहिए। किसी का 10 लाख का बिजनेस है, अगर वो वहां पे 10 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए की कोई चीज की वो करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए 1 लाख के पे कोई अमाउंट फर्क आया, तो उसको तो फर्क पड़ेगा ना 1 लाख का। तो मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम इन एनी सच बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अकाउंट शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा, साथ में फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हमें यहाँ पे पता चली। अब यहाँ पे अभी जो सेक्शन है 477A, ये बात मैंने आपको बता दी कि जैसे जो इंटेंशन होती है, इंटेंशन जो डिफ्रॉड की होती है, जो यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा, तो इस इंटेंशन डिफ्रॉड की यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को दो बातें और क्या प्रूफ करनी पड़ती है, कि देयर मे बी एन इंजरी, कि इंजरी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एन इंजरी, ठीक है, और डिसीट। ये जो डिसीट का एक्ट है ना, ये इंजरी पहुंचाए, ये चीज जरूरी होती है। अगर ये चीज नहीं है किसी चीज में, तो फिर उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात बहुत सारे केसेस के अंदर बोली गई है, जैसे ये केस का नाम बताता हूं, केस का नाम है कांडी पल्ली माधव राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये बात इस केस में भी बोली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे ये सेम बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि ये जो चीज है ना इंटेंशन के अंदर, इंटेंशन टू डिफ्रॉड के बाद डिसीट होना जरूरी है और इंजरी होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं हो रही, तो मतलब कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया ही नहीं, उसकी इंटेंशन ही डिफ्रॉड करने के लिए नहीं थी। तो ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सेक्शंस के अंदर हमें इतना जानना जरूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।